दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट राजेश लोधी। दोस्तों हमने एक दो दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें हमने बताया था कि नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है, जो एक मैसेज वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, हमने उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी वीडियो में। और हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं, क्योंकि हम सारे कमेंट का जो है आंसर रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं और समय की कमी होती है। तो बहुत सारे जो कमेंट्स आए हैं उनमें कुछ 70% जो है बच्चों के कमेंट है, 9th, 10th, 11th, 12th वाले, और उनने कुछ बच्चों ने बहुत ज़्यादा वाहियात कमेंट किए हैं, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम जो मेन जो टॉपिक है जिसमें सभी लोगों को फ़ायदा हो सके, सबको नॉलेज मिल सके, उन कमेंट पर हम बात करेंगे। तो पहली चीज़ आपको यहाँ पर समझनी चाहिए कि हम जो भी नॉलेज आपको देते हैं उसको पढ़ समझ कर ही आपको नॉलेज देते हैं, इसलिए कुछ बच्चों ने बहुत ज़्यादा वाहियात कमेंट किए हैं तो वो समझ गए होंगे। और एक और मोहतरमा है, उनका कमेंट है हिंदी भाषा के ऊपर कि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हो, तो इस बात का हम उसको जवाब देना चाहेंगे, उनको कहना चाहेंगे कि हमारे देश की विडम्बना ये है दोस्तों कि जो हम विदेशी भाषा को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, चाइना का कोई भी प्रोडक्ट आप देख लीजिए, सारे प्रोडक्ट जो है चाइना के उस पर चाइनीज भाषा में लिखा हुआ होता है। इसी प्रकार आप रशियन कोई प्रोडक्ट लीजिए, रशिया अपने भाषा मातृभाषा को जो है प्रोत्साहन देता है, लेकिन हमारे देश की विडम्बना ये है कि लोग दो शब्द इंग्लिश के बोलने लग जाते हैं तो उनको ये लगता है कि हम बहुत बड़े विद्वान बन गए हैं दोस्तों। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी मातृभाषा की इज्जत नहीं करेंगे, आप सम्मान नहीं करेंगे, तो आपका जो है ना तो आप अपने देश का सिर ऊंचा उठा पाएंगे और ना ही आप जो है आगे बढ़ पाएंगे लाइफ में। तो इसलिए यहाँ पर यह बात समझने बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आपको जो है अपनी जो अंग्रेजों की गुलामी वाली जो मानसिकता है, अंग्रेजी भाषा को बोलने से कोई व्यक्ति महान नहीं बन जाता है, ना ही उसका जो है नॉलेज बढ़ जाता है। अंग्रेजी के दो शब्द बोलने से कुछ नहीं होता है। आप अपनी भाषा में चीजों को समझिए और लोगों को अपनी भाषा में, सरल भाषा में जो है नॉलेज को पहुंचाइए। अगर हम अंग्रेजी भाषा में वीडियो बनाएंगे, बहुत सारे हमारे भारतीय जो है वो उन तक कानूनी ज्ञान नॉलेज नहीं ले पहुंच पाएगा और वो उस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो हमारा जो चैनल है उसको बनाने का जो मेन उद्देश्य यही है कि गांव के हर व्यक्ति तक कानूनी जानकारी पहुंचे, नॉलेज पहुंचे, ताकि उसका शोषण ना हो सके। तो आशा करते हैं उन मोहतरमा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब हम और प्रश्नों की ओर बात करते हैं। पहला ये जो है दोस्तों कि सबसे पहली बात यह है कि आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से नहीं देखते हैं, स्किप कर करके देखते हैं और उसके बाद में फिर आप हमको वही जो हमने बातें बताई उनके ही प्रश्न आप दोबारा से पूछते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो में 70% क्वेश्चन के जो आंसर हैं जो आप लोग कमेंट करते हैं उनके उत्तर हमने उस वीडियो में दे रखे हैं। अब कोई पूछ रहा है कि कब लागू होगी, कौन कौन से नियम है इसमें, पीएचडी का क्या होगा, एमफिल का क्या होगा, मैं ये अप्रैल में ही लागू हो जाएगी क्या, सारे सवालों के जवाब हमने उस वीडियो में दे रखे हैं। आप अगर उसको आराम से निश्चिंत होकर देखेंगे तो आपको जवाब मिल जाएंगे। फिर भी यहाँ पर दोस्तों हम आपको बता रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया है। आप इस वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको एजुकेशन पॉलिसी 2020 108 पेज की पीडीएफ है, उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है कि एजुकेशन पॉलिसी में क्या बदलाव किए गए हैं और ये कैसे कैसे लागू होगी। अब फिर भी कुछ चीजें हम आपको बता दें कि जो एजुकेशन पॉलिसी है वो अभी लागू नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे मित्रों का प्रश्न है कि कब लागू होगी, क्योंकि ये जो वीडियो है ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग देख रहे हैं, इसलिए हम एक राज्य का
अगर बताने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय इसका लागू करने का रहेगा। जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट जो है बीजेपी की है, वहां पर कोशिश ये होगी कि ये जल्दी से जल्दी लागू हो और अदर राज्यों में भी ये लागू होगी। लेकिन कितना समय लगेगा ये जो है राज्य सरकारों को अपने हिसाब से तय करना है, उसको कब ये लागू करेंगी तो अभी हम स्पष्ट नहीं कह पाएंगे। बस आपको इस चीज का नॉलेज चाहिए है कब लागू होगी, तो आप न्यूज़पेपर वगैरह आप देखते रहेंगे तो जब भी लागू होगा इसका आपको जानकारी मिल जाएगी। तो अब दोस्तों वीडियो को बनाने का सबसे मेन उद्देश्य यही है कि सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि बेवजह के प्रश्न आप मत पूछिए। जो प्रश्न वाकई आपको लगता है कि हमें पूछने चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति से अपशब्द कहने से हम बड़े नहीं हो जाते हैं, हमारे माता पिता के संस्कार उसमें दिखते हैं कि हमें जो है क्या सिखाया गया है और आप कौन से स्कूल में क्या सीख रहे हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, आपको जो है जो आपकी जरूरत के हिसाब से आपको एजुकेशन बढ़ाने के लिए आपके काम की जो चीज है क्वेश्चन है वो आप पूछिए। तो इसलिए इस वीडियो को दोस्तों हमने जो बनाया है उसका मेन उद्देश्य यही था कि आपके जो कमेंट्स हैं, बहुत सारे कमेंट्स थे, उनके उत्तर हम इस वीडियो में दे सकें। एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है, एक बार हम फिर से आपको बता रहे हैं एजुकेशन पॉलिसी जो है लागू हो चुकी है। एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से ये है क्योंकि 2020 में इस पॉलिसी को लाया गया था और 2022 में केंद्र सरकार ने जो है इसको लागू किया है। तो यहाँ पर आपको डिटेल जानकारी चाहिए है, आप लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर पढ़ लीजिए, सारे जानकारी सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों।